हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जंगल में भेजना शुरू किया कि बेवा औरत घर के अंदर नहीं रहेगी, बाहर चली जाएगी। और आपको पता है फिर जमाना तरक्की किया तो जंगल में न भेजते हुए उनके लिए खास कमरा बना दिया गया, उनके लिए एक अलग बिल्डिंग बना दी गई कि सारी बेवा औरतें यही रहेंगी। मैं पूछना चाहता हूं, जो जवानी में बेवा हो गई क्या उसकी ख्वाहिशात नहीं होगी? क्या उसका हक नहीं कि वो किसी मर्द की ताबईयत में रहे? क्या उसका हक नहीं कि वो भी किसी के घर की मलिका बनकर रहे? नहीं, समाज ने उसको ये मकाम नहीं दिया। मैं बताऊं आपको, ये मकाम अगर किसी ने बख्शा है तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हें मेरे आका की शादियों से तकलीफ है? मैं आपको बताऊं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की 10 बीवियां हुई सिवाय सैयदा आयशा के, बाकी सारी बीवियां या तो बेवा थी या तो मुतल्लका थी। हजरत खदीजा जिससे पहला निकाह मेरे आका ने किया, 2 शोहर ऑलरेडी उनके इंतकाल कर चुके थे। हजरत खदीजा 2 शोहर इंतकाल और दोनों शोहरों से बच्चे भी थे, और तीसरे नंबर पर मेरे आका ने उनसे निकाह किया। मेरे अजीजो, 25 साल का कड़ियल जवान कौन नहीं चाहता कि एक हसीन दुशीजा से निकाह कर ले, कुंवारी लड़की से निकाह कर ले, कौन नहीं चाहता? लेकिन रसूल इस्लाम ने यह पैगाम आम किया कि बेवा जंगल में भेजे जाने के लायक नहीं, बल्कि उसे अपने घर की मलिका बनाकर रखा जा सकता है। इसलिए अगर तुमने बेवा को इज्जत दी, अल्लाह तबारक व तआला उसके उठे हुए हाथों की लाज रखता है और उसकी दुआएं कबूल करता है। अजीजाने गिरामी, ये जो औरतों के साथ बुरा सलूक करने वाले हमें अमन का पाठ पढ़ाने आए हैं, इस्लाम की बुराइयां दिखाने के लिए लोगों को मीडिया में बक 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 करने आए हैं, इन्हें पता ही नहीं तुमने कितनी बेटियों को मारा है, कितनी बेवाओं को मारा है, कितनी औरतों के साथ जुल्म किया है। इस्लाम है वो दीन जिसने आते ही ये हुक्म दिया, ऐ नौजवानों, माँ की खिदमत करो, इसलिए कि तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। यही इस्लाम है जिसने औरत का मकाम बढ़ाते हुए कहा, अगर तुम्हारे घर में 2 बेटियां हो गई, अगर उन बेटियों की अच्छी परवरिश किया और उन्हें अच्छी जगह निकाह करके दे दिया, मेरे आका फरमाते हैं उसे जन्नत में ले जाने की जमानत मैं देता हूँ। एक सहाबी आए और कहा, या रसूल अल्लाह, एक ही बेटी है, एक बेटी को अगर परवरिश करके दे दूं तो क्या ये मुजदा जो आपने सुनाया, ये जो बशारत आपने दी, मेरे लिए भी है? मेरे आका ने फरमाया, हाँ जाओ, अगर एक बेटी भी हो और अच्छी तरबियत किया, अच्छा निकाह करके दे दिया, हुजूर फरमाते मेरी शफाअत उस पर वाजिब है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक बस्ती से गुजर रहे हैं, सहाबा साथ में है, रात का वक्त था, अचानक एक घर के ऊपर रोशनी पड़ती नजर आई, आसमान से लेकर उस घर के छत तक रोशनी ही रोशनी है। सहाबा खड़े हो गए, पूछा रसूल पाक से, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसी रोशनी है? इस घर से लेकर आसमान तक कैसी रोशनी है? किस बात का ये उजाला है? मेरे आका ने देखा और मुस्कुराया और फरमाया, जाओ उस घर वालों से मालूम करो, दो में से कोई एक बात होगी। मेरे आका ने फरमाया, या तो उस घर में यतीम बच्चे की परवरिश हो रही होगी, या आज ही उस घर में किसी बेटी की पैदाइश होगी। करके पूछा तो पता चला कि उस घर में आज ही बच्ची की विलादत हुई थी। ये मेरा दीन है जो बेटियों के पैदा होने पर तुम्हें फख्र सिखाता है, और ना ये कि गर्दन मरोड़ करके दफन करना सिखाता हो। माओ की इज्जत किसने सिखाई? ये दीन इस्लाम है। औरतों के साथ जो जुल्म यहाँ होते हैं, आज मैं तुम्हें बताऊं, मेरे आका ने फरमाया, औरत के ऊपर हाथ उठाना जायज नहीं, जुल्म करना जायज नहीं, औरत के साथ मार तोड़ करना जायज नहीं, इसलिए कि वो सिनफ़े नाजुक है, उसको तुम पूरा सीधा नहीं कर सकोगे, उसके टेढ़ेपन से ही तुम ज्यादा फायदा उठा सकते हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, दुनिया में तुम खैरात करते हो, बांटते हो, इसको 100 रुपए, उसको 200 रुपए, इसको 300 रुपए, खैरात में बड़ा सवाब है ना, दान करने वाले, सुनो हुजूर फरमाते हैं, सबसे अफजल सदका एक हलाल लुकमा अपनी बीवी को खिलाना, सबसे अफजल सदका। औरतों की परवरिश को किसने बताया? ये दीन इस्लाम है। मैं आपसे कितनी बातें करूं, कौन सा गोशा है जिसको इस्लाम ने तशना छोड़ा है? औरतों के हुकूक बताएं। आज ये दुनिया समझती है कि इस्लाम औरतों को 4 दीवारी के अंदर कैद करके रखता है,
ये दकिया में सीपल है, ये फंडामेंटल लोग, पुराने ख्यालात के लोग हैं, फंडामेंटलिस्ट हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं, ऐ मुसलमानों, इनकी शोबदाबाजी में हरगिज मत आना, इनकी जादूगरी में हरगिज ना आना। ये दुनिया वही है जिसको हमारे इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी ने फरमाया था, शहद दिखाए जहर पिलाए। बेशक बेशक, कातिल दाइन शोहर कुछ, इस दुनिया इस मुर्दार पे क्या ललचाए दुनिया देखी भाली। बेशक बेशक, आज तुम्हें फैशन के नाम पर, इज्जत के नाम पर क्या कह रही है दुनिया? ये कह रही है कि वो लड़कियां हाफ पहनेंगी तो ज्यादा बड़े लेवल की होंगी, जितनी नंगी होंगी उतनी फैशनेबल होंगी, जितनी नंगी होंगी उतनी फैशनेबल। मैं बहुत सालों से कहता हूं, अगर नंगा होना ही फैशन है तो भैंस सबसे ज्यादा फैशनेबल है, एक कपड़ा तक नहीं पहनती।